हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के साथ हम बालों की हाइलाइटिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करने वाले हैं। अभी 2-3 महीने पहले ही हम अपने बालों में हाईलाइट किए थे, वो भी घर पे फर्स्ट टाइम। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस था बालों को हाईलाइटिंग करने से लेके और हाईलाइट होने के बाद का, वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल पे न्यू है और फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियोस को वॉच कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, ये जो वीडियो है ये है 2-3 महीने पहले की और उस टाइम ठंड का मौसम था, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी क्लिप शेयर कर रहे हैं वो 2-3 महीने पहले की है, उस टाइम ठंड का मौसम था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बालों को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एल्युमिनियम फॉयल पेपर, इस तरीके से एक सेम साइज़ में कट कर लेंगे। यहाँ पे करीबन 10 से 15 पीस हम कट कर लिए पेपर को। इसके बाद एक बाउल लेंगे, कलर का ब्रश लेंगे और ये है स्ट्रीक्स का अल्ट्रा लाइट्स हाईलाइटिंग किट और इसका कलर है सॉफ्ट ब्लॉन्ड कलर। और ये फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर किए थे, उस टाइम 2 पैक मिला था हमको 297 रुपीज़ में। अभी रेट कम ज़्यादा कुछ होगा वो हमको नहीं पता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ मिली थी वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ये देखिए छोटा सा ब्रश मिला है हाईलाइट करने के लिए, तो ये प्लास्टिक का इस तरीके का ब्रश है हाईलाइटिंग के लिए। इसके बाद इसमें एक ये डेवलपर का पाउच मिला है। इसके बाद है इसमें एक ब्लॉन्डर पाउडर, तो ये 2 चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ पर 2 पाउच मिले हैं कंडीशनर के और साथ ही इसमें प्लास्टिक के जो नॉर्मल से ग्लव्स आते हैं ना, जो सारे हेयर कलर्स में आते हैं आजकल, वो है। और यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल दिया हुआ है कि आप किस तरीके से कलर को कितने देर के लिए रखना है, कैसे मिक्स करना है, मतलब पूरा प्रोसेस आपको डिटेल इसमें मिल जाएगा। और ये ग्लव्स देखिए इस तरीके से हैं। तो चलिए अब हम लोग कलर करने की तैयारी करते हैं और कैसा रिज़ल्ट आता है वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। बालों को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आपको अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और अगर बाल में थोड़ा भी ऑयल रह जाएगा या बाल में ऑयल लगा हुआ है उस पर आप हाईलाइट करते हैं या कोई भी कलर करते हो तो वो कलर अच्छे से नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेवलपर है और ब्लॉन्डर पाउडर है उन दोनों को एक बाउल में अच्छे से ट्रांसफ़र करना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है डेवलपर और ब्लॉन्डर पाउडर को, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और आपके बालों में एक अच्छा सा हाइलाइटिंग का कलर आ सके। तो यहाँ पे देखिए जो डेवलपर और ब्लॉन्डर पाउडर था वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब चलिए अपने बाल को हम हाईलाइट करना शुरू करते हैं। तो अच्छे से अपने बालों को आप एक बार कॉम्ब जरूर कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप हाईलाइट करना शुरू करिएगा। तो एक बार अच्छी तरीके से बालों को कॉम्ब कर लेते हैं, जिससे कि हाईलाइट करने में आसानी रहेगी और अच्छे से हो भी जाएगा। वैसे खुद के बालों पे जब खुद से करना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट टाइम ये हम भी ट्राई कर रहे थे तो मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। एक बार और ग्लोबल हाईलाइटिंग हम करवाए हैं पार्लर से, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे बाल, बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे थे, पूरे बाल हल्के हो गए थे। तो वो हो गई 6-7 साल पुरानी बात है। तो इसके बाद अभी मेरा मन किया कि चलो फिर से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फॉयल पेपर था उसको इस तरीके से जितने पोर्शन में बालों को हाईलाइट करना है उसके नीचे इस तरह से फॉयल पेपर लगा लिए हैं और जितने पोर्शन में हमें हाईलाइट करना है उतने ही पोर्शन को ये हाईलाइट करने वाले जो ब्रश मिला है साथ में उससे इस तरीके से इस मिक्सचर को लगा रहे हैं। अच्छी तरीके से लगाना है और ये फॉयल पेपर से रैप कर देना है। इससे क्या होता है कि जो कलर होता है ना वो बहुत जल्दी से बालों पे आना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा हीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे बालों में
और जैसे थोड़े ही देर में ना वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जो ये ब्लॉन्डर और डेवलपर है उससे जो बालों पे जो कलर आना चाहिए वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अच्छे से बाल को फोल्ड करके और एल्युमिनियम फॉयल पेपर से रैप कर देना है जितनी जगह पे आप कलर चाहते हैं कि आपका हाइलाइटिंग हो। तो छोटा छोटा पोर्शन लेते जाएंगे और करते जाएंगे। तो अभी हमको ग्लव्स लगाने की ज़रूरत हो गई क्योंकि पहले लग रहा था कि ऐसे ही लगा लेते लेकिन हाथों में वो आ रहा था। तो जैसे ब्लीच कभी कभी हम लोग मिक्स करते हैं हाथ से तो हाथ में छोटे छोटे से स्पॉट्स फिंगर्स पे आ जाते हैं ना, तो उसी तरीके से हो रहा था क्योंकि इसमें भी ब्लीच तो होता ही है। तो इसलिए अभी ग्लव्स लगा लिए हैं और ख़ुद से करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि कैमरे में भी देखना है, आप लोगों को भी दिखाना है, कलर भी करना है और हाथ को भी सेफ रखना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैनेज हो गया और थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए जो एल्युमिनियम फॉयल पेपर है वो थोड़ा सा फट गया है। इसीलिए दो चार पीस एक्स्ट्रा आप कट करके रखिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितने आप कट करके रखेंगे वो अच्छे से यूज़ हो जाएंगे, कुछ उसमें से फट भी जाते हैं या कभी बच भी जाता है। मतलब आपको काम करने के टाइम कम ना पड़े इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से छोटा छोटा पार्ट लेते जा रहे हैं बालों का, जितने बालों में हाईलाइट करना है उतने बालों में ये जो मिक्सचर है ब्लॉन्डर और डेवलपर का वो लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से एल्युमिनियम फॉयल पेपर से रैप कर देंगे। इसी तरीके से दोनों साइड के जो भी बाल हैं, मतलब जितने भी पोर्शन में आपको हाइलाइटिंग चाहिए अपने बालों में उतने पोर्शन को आप इसी तरीके से हाईलाइट करिए। तो देखिए अभी पहले तो ब्रश से हो रहा था, उसके बाद ब्रश भी एक साइड में रख दिए और सीधे हाथ से ही करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि खुद से खुद के बालों में करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमको लगा कि जितने जल्दी जल्दी निपटा ले उतना अच्छा है, तो हाथ से ही करना शुरू कर दिए थे। वैसे ग्लव्स पहने हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इसी तरीके से करके छोटे छोटे पोर्शन लेने हैं आपको बालों के और हाइलाइटिंग के लिए जितना पार्ट आप लेना चाहते हैं उतने पार्ट पे ये जो मिक्सचर है वो आप लगाइए और एल्युमिनियम फॉयल पेपर से अच्छी तरीके से रैप कर दीजिए। और जब ये कलर हम डिसाइड कर रहे थे ना, हमको चाहिए था कि ना बहुत ही येलो येलो टच वाला कलर नहीं चाहिए था या एकदम से जो ब्राउन कलर होता है वो नहीं चाहिए था, हमको बरगंडी और रेड का जो एक सॉफ्ट सा कलर आता है ना वैसा चाहिए था। तो ये सॉफ्ट ब्लॉन्ड कलर बहुत ही अच्छा कलर हमको लगा। फिर भी डरते डरते ही अपने बालों पे हम ट्राई कर रहे थे क्योंकि होता है ना कि आप बहुत सारी वीडियोज़ देखिए और बहुत सारी पिक्चर्स देखिए फिर भी एक तसल्ली नहीं होती कि पता नहीं रियल में ये बालों पे कैसा लगेगा। तो बहुत डरते डरते कर रहे थे क्योंकि शादी भी थी आगे बहन की, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत अच्छा बनने के चक्कर में चुड़ैल ना बन जाए तो ये भी मन में एक डर बना हुआ था। लेकिन डर जो अपने जगह की बात थी, डर तो लग ही रहा था लेकिन बाद में कलर कैसा आया वो भी आप लोग देखिएगा। तो अब पहले हम बालों को पूरी तरीके से जहाँ जहाँ हमको हाईलाइट करना है ये लगाते हैं और अच्छे से कवर करते हैं। और इसको पूरी तरह से लगाने के बाद आपको 30 से 35 मिनट के लिए बालों को रखना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। और एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कि जैसे ही आप हाईलाइट करना शुरू करते हैं ना बालों को, आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए या कोशिश करिए कि किसी और से कराइए क्योंकि खुद से जब आप करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाता है लेकिन जब दूसरा कोई करता है तो वो हाथ फटाफट से चलते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप पहला स्ट्रिप अपने बालों पे हाईलाइट करेंगे तो वो तो उतनी देर के लिए रखा रहेगा लेकिन जैसे जैसे आप दूसरे स्ट्रिप्स करते जाएंगे ना तो पहला वाला बहुत ज़्यादा देर के लिए हाईलाइटिंग के लिए रखा जाएगा। तो उस पे जो कलर है ना वो बहुत, मतलब आप जो कलर चाहते हैं उससे ज़्यादा देर पे रखने पे वो थोड़ा येलो टाइप में आ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि फटाफट से जितने भी स्ट्रिप्स आपको करने हैं आप कर लीजिए, ना हो तो किसी से करवा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारे बालों पे जितने भी स्ट्रिप्स हमको हाईलाइटिंग के लिए चाहिए थे वो हम कर लिए हैं। अब इसको रखेंगे 30 से 35 मिनट के लिए, उसके बाद फटाफट से नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। तो इस हाईलाइट के साथ हम फुल्ली सेटिस्फाइड है, मतलब पैसा वसूल वाला काम हुआ है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप देख सकते हैं कलर में
मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम खुश नहीं है, बहुत अच्छा कलर आया है और जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसे ही आया है। हमको पूरा बहुत पहले एक बार ग्लोबल हाईलाइट हम करवा चुके हैं, तो उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे क्योंकि जहाँ करवाए थे वो पता नहीं कौन सा केमिकल यूज़ की थी, क्या की थी, कुछ समझ नहीं आया, पूरे बाल मेरे रफ़ हो गए थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि ये हाईलाइट वगैरह करे या ना करे। फिर हम सोचे चलो एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लुक मिलेगा, काफ़ी टाइम से एक जैसा कर करके अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हम लेंथ में बस नीचे के साइड हाईलाइट किए थे और वो भी बहुत मतलब मुश्किल से 45 मिनट हम रखे होंगे, 30 मिनट में वो कलर नहीं आया था। और फिर भी डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, वो मतलब बिल्कुल अलग जाता है कि कहीं ब्लैक है और जहाँ जहाँ हाईलाइट किए वो बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर जो आता है वो हमको बिल्कुल नहीं पसंद। जैसा कलर हम चाहते थे मिक्स एंड मैच करके हो कि ब्लैक के साथ एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन आए, वो बिल्कुल आया है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये कॉफ़ी ब्राउन जैसा शेड आया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिजल्ट आप सभी के सामने है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कैसा लग रहा है ये हाईलाइट किया हुआ बालों पर ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लुक आया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।